हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो अगर डेफिनेशन आता है एग्जाम में तो हम लोग क्या लिखेंगे, द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो प्रिंसिपल एक्चुअली इसको गाइड करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल। कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है, अगर डीएनए के सीक्वेंस में ए टी जी सी है तो आरएनए में आएगा यू ए सी जी, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं रहता है, उसमें यूरासिल रहता है। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए सेल को क्या क्या चाहिए, सो डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग आरएनए बनाना चाहते हैं सो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जो सीक्वेंसेस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और कुछ सीक्वेंसेस हैं जिससे एक्चुअली आरएनए बनता है। तो दिस सीक्वेंसेस आर द प्रोमोटर सीक्वेंस, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। सेकेंड इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये एक्चुअली वो एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाने में मदद करता है। तीन नंबर क्या है, द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये आरएनए बनाना है हम लोगों को इसलिए यहां पे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स नहीं लगेगा, इसमें लगेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एनटीपी। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। और क्या लगेगा इसमें, रो फैक्टर लगेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो रो फैक्टर है ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में लगता है। एनर्जी और एटीपी लगेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगता है। अब कहां पे होता है, व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ दिस प्रोसेस, अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्रोमाटीन और डीएनए और क्रोमोसोम व्हाट एवर यू मे कॉल इट, तो वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो उसमें कहां पे होगा, ये प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिससे आरएनए बनता है, और ये सीक्वेंस रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। ओके, सो एक्चुअली ये सीक्वेंस से आरएनए बनता भी है, और इसमें कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जो इस आरएनए को बनने में मदद करते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या रहता है, इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रोमोटर रीजन और प्रोमोटर सीक्वेंस, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो हम लोग पहले बात करेंगे प्रोमोटर सीक्वेंस के बारे में। प्रोमोटर सीक्वेंस बेसिकली अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोमोट करता है। अब अपस्ट्रीम सीक्वेंस का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमेशा शुरू होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। हमने यहां पे लिखा है स्टार्ट, दैट मींस यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब जो भी सीक्वेंस
इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम सीक्वेंस और उसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन से, और जो भी सीक्वेंस इस स्टार्ट साइट के बाद में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस और हम लोग लिखेंगे उसको प्लस साइन से। ओके, तो क्या हो गया, जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वो आ गया स्टार्ट साइट के पहले, इसलिए प्रोमोटर को क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस आएगा इसके बाद उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, तो टर्मिनेटर कहां पर आ गया, डाउनस्ट्रीम में। ओके, नाउ ये जो प्रोमोटर रीजन और प्रोमोटर सीक्वेंस है इसमें कुछ कॉन्सेंसस सीक्वेंस होता है। अब कॉन्सेंसस सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंसस सीक्वेंस का मतलब है कॉन्जर्व सीक्वेंस। दैट मीन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एक पॉइंट है प्रोमोटर रीजन में उसमें वही सीक्वेंस मिलेगा हर जगह पे, इसलिए इसको कॉन्जर्व्ड सीक्वेंस बोलते हैं या कॉन्सेंसस सीक्वेंस बोलते हैं। अब अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें इस तरह के दो कॉन्सेंसस सीक्वेंस हैं। एक होता है माइनस 10 बॉक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रोमोटर में माइनस 10 जो न्यूक्लियोटाइड है उसके आसपास है। ओके, इसका जो सेंटर है इस बॉक्स का वो माइनस 10 है। अब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिग्नो बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था डेविड प्रिग्नो ने। अब इसका जो सीक्वेंस है वो कैसा है, 5 प्राइम से लेके TATAAT 3 प्राइम तक। दूसरा जो बॉक्स है उसको हम लोग बोलते हैं माइनस 35 बॉक्स, इसमें जो सीक्वेंस रहता है वो होगा क्या, 5 प्राइम TTGACA 3 प्राइम, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा माइनस 35 न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो सीक्वेंस रहता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, इस तरह की 3 और 3 कॉन्सेंसस सीक्वेंस रहेंगे। पहला जो होगा उसको बोलेंगे माइनस 30 बॉक्स, और उसमें कैसा सीक्वेंस रहेगा, 5 प्राइम से लेके TATAAA 3 प्राइम। इसको डिस्कवर किया था गोल्डबर्ग एंड हॉगनेस ने, तो इसको हम लोग गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी बोल सकते हैं। जो दूसरा सीक्वेंस आएगा प्रोमोटर के अंडर में यूकैरियोट्स में वो हो जाएगा माइनस 75 सीक्वेंस, इसको हम लोग कैट बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक CAAT। तीसरा जो सीक्वेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनस 90 बॉक्स और GC बॉक्स, क्योंकि इसमें गुआनिन और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा है। तो 5 प्राइम से लेके इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, GGG CGG 3 प्राइम। तो ये 3 सीक्वेंस हो गया यूकैरियोट्स में। ओके, तो ये प्रोमोटर के अंदर में प्रोकैरियोट होगा तो ये 2 सीक्वेंस, यूकैरियोट होगा तो ये 3 कंजर्व्ड सीक्वेंस रहेंगे, और ये सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, तो उसको बाइंड करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोमोट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्चुअली जीन सीक्वेंस है जिससे आरएनए बनता है। अब आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, उसका जो पोलरिटी होगा वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक होगा, लेकिन डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड है, तो किस स्ट्रैंड से ये आरएनए बनेगा, तो प्रोमोटर जिस तरफ है उसके ऊपर बेस करके डीएनए का जो स्ट्रैंड का पोलरिटी 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की तरफ है उसको हम लोग मानेंगे एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका पोलरिटी हो गया 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम, सो प्रोमोटर इधर है, इसका पोलरिटी क्या क्या होगा, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोमोटर। ओके, तो प्रोमोटर जहां पे है उसके हिसाब से ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ये आरएनए बनेगा, और जो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक जिसका पोलरिटी है उसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इनका अलग और नाम भी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग माइनस स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग प्लस या सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। अब यहां पे इस स्ट्रैंड से तो आरएनए बन नहीं रहा है,
फिर भी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, प्लास स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एक सीक्वेंस ले लें, सपोज ये जो सीक्वेंस है डीएनए का जिससे बन रहा है ए टी जी सी है, तो यहां से जो आरएनए बनेगा उसमें क्या आएगा, यू ए सी जी, और इसका कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड ये वाला है। अब इसमें कैसा सीक्वेंस है, टी ए सी जी। ओके, ना अगर हम लोग इससे इस आरएनए को कंपेयर करें तो दोनों का सीक्वेंस एक ही है, इसमें है टी ए सी जी, इसमें है यू ए सी जी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो डीएनए है उसमें थाइमिन है और जो आरएनए है उसमें यूरासिल है, क्योंकि ये आरएनए मॉलिक्यूल का जब ट्रांसलेशन होगा ये कोड करेगा पर्टिकुलर प्रोटीन को और वही प्रोटीन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। तो ये दोनों का सीक्वेंस क्या हो गया, लगभग सेम हो गया, ये कोड कर रहा है एक्चुअली, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही कोड कर रहा है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सेंस है ये आरएनए का सेंस वही है और उसी से प्रोटीन बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको कोडिंग प्लस और सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस में। टर्मिनेटर सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन के बाद में आ रहा है। अब ये जो सीक्वेंस है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे आगे स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप हो जाएगा तो आरएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और उससे फिर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि इसमें इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है उसका और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में, जिसमें डिफरेंट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब करें।